पहली खबर है वो जबलपुर की है, जहां पर सीवर लाइन के गड्ढे में एक बैल गिर गया है। स्थानीय लोगों ने हालांकि बैल का रेस्क्यू कर लिया है, यानी उसे बाहर निकाल लिया है। लोगों ने मिलकर बैल को गड्ढे से बाहर निकाला। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, आधारताल धनी की कुटिया रोड पर बड़ा गड्ढा है। सीवर लाइन के गड्ढे में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा गड्ढा था और इसी गड्ढे में एक बैल गिर जाता है। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद इसका सफल रेस्क्यू किया जाता है और इस सीवर लाइन के गड्ढे में आए दिन लोग शिकार होते हैं, इसके चपेट में आते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आए दिन ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति परिस्थिति बदल क्यों नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो पूछा ही जाएगा। ये देखिए, बीच सड़क में ये गड्ढा हुआ है। सीवर लाइन के गड्ढे में आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। आमतौर पर इसे ढकना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जब उसमें पूरा बैल गिर गया और उसका रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, अगर यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को नहीं दिखा, अगर थोड़ी भी रफ्तार में वो हुई तो क्या होगा। देखिए, जबकि ना कोई चेतावनी का बोर्ड दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ना कोई वहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। और सवाल ये है कि ऐसा होना ही क्यों चाहिए, ये भी तो सवाल बनता है ना। ये क्यों ये स्थिति बनी है, नगर निगम कर क्या रहा है, और वो भी संस्कारधानी जहाँ पर हाईकोर्ट हो, वहाँ उस शहर की ऐसी स्थिति हो।